तो आज का लेसन होगा पहली बीमे का फिंगर स्टाइल लेसन पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और बहुत लोगों ने पार्ट टू के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए मैं लेसन बना रहा हूँ। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, पार्ट वन में कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ है। तो अब पार्ट टू में इस पार्ट से हम शुरुआत करेंगे। अब इसके लिए आपको 6th स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और फिर से सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। अब इसके बाद आपको स्लैप करके 3rd स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट को प्ले करना है ऐसे, ठीक है। अब आपको सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट दो बार प्ले करना है, और फिर 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और स्लैप करके 3rd स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, और फिर से 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, ठीक है। अब इसके बाद आपको 5th स्ट्रिंग ओपन, 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, और स्लैप करके फिर से 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट दो बार प्ले करना है, और फिर से 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और 3rd स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है स्लैप करके, ठीक है, और फिर से 3rd स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर से रिपीट करना है ये, पर थोड़ा सा ही रिपीट करना है, ठीक है। कहां तक रिपीट करना है मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ यहां तक रिपीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 3rd स्ट्रिंग ओपन प्ले करके 3rd स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर हैमर ऑन करना है, ठीक है, ठीक है, और फिर 1st स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद आपको 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट एक साथ प्ले करना है, ठीक है। तो अब आपको 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट चार बार प्ले करना है, ठीक है। तो टोटल आपका ये नोट 5 बार प्ले होगा, एक बार एक साथ ऐसे प्ले होगा और फिर 4 बार। तो एक बार पूरा प्ले करके देखते हैं। इसके बाद का जो मेलोडी पार्ट है वो कुछ ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 5th स्ट्रिंग को ओपन रखना है, 4th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर अपनी उंगली रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको 1st स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और फिर से सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट प्ले करके सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से 3rd फ्रेट पर हैमर ऑन करना है, ठीक है। अब 1st स्ट्रिंग ओपन, अब इसके बाद आपको 3 बार स्ट्रम करना है नॉर्मली, जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी उंगली को रखना है 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पर, और 1st स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है एक बार, और इसके बाद 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और फिर उसके बाद 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट प्ले करके
सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से थर्ड फ्रेट पर हैमर ऑन करना है, ठीक है। और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले करने के बाद सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट ऐसे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में अपने फिंगर को रख के दो बार स्ट्रम करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेम मेलोडी रिपीट करना है। अब आप जब स्ट्रमिंग करोगे तब आप ये सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से अपनी उंगली हटाकर एक उंगली को थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर रखना है, ठीक है, और दो बार स्ट्रिंग करना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट से सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पर स्लाइड करना है, और फिर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से पुल ऑफ, और सेकंड स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद आप जब स्ट्रमिंग करोगे आपको एक उंगली रखनी है सॉरी फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और दूसरी रखनी है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ठीक है, और फिर तीन बार स्ट्रम करना है। तो ये हो गए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ, ये इसके बाद का जो मेलोडी पार्ट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है एक बार, और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से पुल ऑफ करना है। अब थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और स्लैप करके थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, ठीक है। फिर से फर्स्ट स्ट्रिंग सॉरी सेकंड स्ट्रिंग ओपन, और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से पुल ऑफ, और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फिर से, और इसके बाद स्लैप, ठीक है। आपको इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, और फिर सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करना है, और सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और स्लैप, ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, और इसके बाद सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और सेकंड स्ट्रिंग ओपन, और इसके बाद स्लैप, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है एक बार, और फिर फोर्थ स्ट्रिंग ओपन सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से पुल ऑफ करना है, ठीक है, और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और इसके बाद स्लैप करके थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, ठीक है। और फिर से सेकंड स्ट्रिंग ओपन, और फिर इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से पुल ऑफ करना है, और फिर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और स्लैप, ठीक है। इसके बाद आपको फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एक बार प्ले करना है, अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन के साथ प्ले करके पुल ऑफ करना है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से पुल ऑफ करना है, ठीक है।
अब आपको इस पार्ट को एक बार और रिपीट करके प्ले करना है, टोटल दो बार प्ले करना है, ठीक है। और इस बार आपको शुरुआत में थोड़ा चेंज करके प्ले करना होगा। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पार्ट में हमने शुरुआत में क्या किया था, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन के साथ प्ले किया था, ठीक है, ऐसे। अब इस बार जब आप रिपीट करके प्ले करोगे, आपको ये नहीं करना है, ये ओपन नहीं प्ले करना है, आपको क्या करना है, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट के साथ प्ले करना है, ठीक है। बाकी सब मेलोडी स्ट्रिंग सब सेम रहेगा, सिर्फ ये बेस लाइन चेंज होगा, ठीक है। तो इस बार कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ इस पार्ट को। अब इसके बाद जो मेलोडी है वो कुछ ऐसे साउंड करेगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर पुल ऑफ करना है, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। अब इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करना है, ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर एम रन करना है, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एक साथ प्ले करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक बार प्ले करना है, और फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करना है, ठीक है। अब फिर इसको एक बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इस पार्ट को भी मैं आपको पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हमने अब तक पार्ट टू में जो कुछ भी सीखा मैं एक बार आपको पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। Thank you.